नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा सेवा संस्थान द्वारा स्वर्गीय नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा की 19वीं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन गुरुवार को पक्की बाग स्थित सरस्वती विद्या मंदिर सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री निवास सिंह, विशेष अतिथि के रूप में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, रमेश गुप्ता सहित संस्थान के कई सदस्य और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समारोह के आरंभ में अतिथियों ने स्वर्गीय नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा श्रद्धांजलि गीत की प्रस्तुति की गई, जिसके पश्चात अतिथियों ने संस्थान की पुस्तिका युग पुरुष का लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्वर्गीय नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा के जीवन पर प्रकाश डाला। हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है, तो आज तो मैं कर्म सन्यासी थी, पत्रिका का नाम है कर्म योगी, लेकिन मैं पूरे गांव कर्म योगी के साथ साथ कर्म सन्यासी भी थी। गीता के 5वें श्लोक में का नाम है यह कर्म सन्यासी योग, और उसमें एक कर्म सन्यासी की व्याख्या की गई। कर्म सन्यासी कौन होता है? कुछ दिनों पहले मैंने गीता के ऊपर एक पुस्तक पढ़ी, कुछ वर्षों पहले पुस्तक का नाम था लोकप्रिय गीता, लेकिन दुर्भाग्य से पुस्तक का नाम उस लोकप्रिय गीता है, लेकिन वह पुस्तक बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाए, बहुत ज्यादा उसका प्रचार नहीं हो पाए, लेकिन वह पुस्तक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, पकड़ रहे वे लोग जो गहन अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कर्मयोग क्या है, कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, और 18वां योग है, उनके पढ़ने के लिए समझने के लिए बहुत बड़े राइट आ सकते हैं, सामान्य समझने के लिए बड़ी जरूरत है। उस लोगों ने कर्म संचार योग काफी अच्छा कर रखा है। संसार एक परीक्षालय है, दिव्यांशन रूप है, हम तो बता दिया, और हर व्यक्ति वहां परीक्षा की, उस परीक्षालय में जो परीक्षा हो रही है, परीक्षा का पाठ्यक्रम है अनाशक्ति, अनाशक्ति पाठ्यक्रम है, और आगे कहते हैं कि जीवन में आने वाली प्रवृत्ति प्रवृत्ति इनके माध्यम से हमारे अनाशक्ति की परीक्षा होती है, इन प्रवृत्तियों के माध्यम से हमारी अनाशक्ति की परीक्षा होती है, जो इससे विचलित न होकर इन सारी प्रवृत्तियों में अपने कार्य को करते हुए लिप्त रहते हुए आशा आई जो तभी थी, रक्षा हुई तभी थी, अंधकार है या प्रकाश है, ज्ञान है या ज्ञान है, जो प्रश्नियां सामने आती हैं उन प्रश्नियों में जो अपने रोल को अपने भूमिका को अनाशक्त भाव से निभाता रहे और अपने कार्य में लगा रहे, वही वही इस परीक्षा में पूछित मारा जाए। कठिनाइयाँ आती हैं, जो कुछ लाभ होता है, हानि होती है, चुन होती है, निंदा होती है, आपके खास करके उन्हें अपने को लिप्त रखते हुए अपने कार्य को करते रहो, वही इसमें पास पाना है। इस भूमि को मिलाने में और संस्था को